पैकेज देता हूँ, देखिए मैडम जी, मैडम यहाँ पर देखिए, अली 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 करते हैं, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हरि हरि के लिए उनका नाम लेते हैं। वक्त बदला, एक दौर बीता और हमने देखा अवध के नवाब वाजिद अली शाह साहब, उन्होंने किस अंदाज में दीन, मजहब, धर्म, आस्था, इन सब से बहुत ऊपर उठकर सिर्फ मोहब्बत और मौसीकी की बात की, सबको अपना लिया, खुद रास रचाते हुए कन्हैया बनके भी नाचे, कृष्ण के लिए सुपुर्द हो गए। यह गंगा जमुनी में तहजीब, और ऐसी गंगा जमुनी तहजीब की पहचान और वहां के किस्से को, वहां के अफसाने को लेकर के फिल्म आपके सामने आई है जानसार। और आप जानते हैं कि अवध बिना मौसीकी के, बिना संगीत के अधूरा है। फिल्म अवध की है और जादूगर जिनका मैंने जिक्र किया, यदि वो मुजफ्फर अली साहब हों, जिनकी फिल्मों से छन छन कर अवध हमेशा खनकता है, बोलता है, तो आप समझ सकते हैं कि आज क्या क्या सुनने को मिलेगा। आज ही म्यूजिक लॉन्च है और जो नगीने हमारे सामने यहां पर बैठी हैं, जिन्होंने अपनी आवाज से इस फिल्म में गानों को, मैं कहूंगी, मकबूलियत दी है, उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने पूरी फिल्म का भी म्यूजिक यहां पे पेश किया है। सिर्फ नाम ही काफी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाम चौरासी घराने से ताल्लुक रखने वाले हम सब ने, शायद जिन्हें सुन करके ठुमरी क्या होती है जानना सीखा, ऐसे सलामत अली, नजाकत अली वाले सलामत अली साहब के आप सुपुर्द हैं, सुपुत्र हैं। मैं बड़े एहतराम और इज्जत के साथ यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, आवाज देना चाहूंगी अपने शफकत अली साहब को, जोरदार तालियों के साथ। रचनाएं रची, उनमें फर्क मालूम ही नहीं चलता था कि कहाँ पर कन्हैया वृंदावन में रास रचाते हैं या दरअसल अवध में आकर। ये कहानी जिस दौर की है, वहां वाजिद अली शाह साहब अवध छोड़ चुके थे, वो कलकत्ता जा चुके थे, लेकिन न रहकर भी फिल्म में उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं मौसीकी के जरिए है। ये कहानी है नूर की, जिसे अवध से मोहब्बत है लेकिन उसके अंदर अपने वतन के लिए एक तड़प भी है, उसे इश्क भी है। कैसी है नूर, ये हमें खुद आकर के बताएंगी परनिया कुरैशी। एक खूबसूरत गाने के साथ, जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ आवाज दी है, आज यहाँ हमारे बीच नहीं है क्योंकि वो अपने दौरे पे अमेरिका में है, लेकिन हम सब की बहुत पसंदीदा बेहतरीन फनकारा श्रेया घोषाल जी, मैं आवाज दूंगी नूर को, यहाँ आए। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि ये जो हुनर है, ये जो आपके सामने उसको गढ़ करके पेश किया गया है, जिन्होंने मेहनत की है, हिंदुस्तान की मेरे ख्याल में सबसे, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर्स हमारे कथक एक्सपोनेंट, बहुत बड़ी विदुषी लेजेंड, कथक लेजेंड हमारे बीच में है, मैं चाहूँगी वो मंच पे आएँ। आदरणीय कुमुदनी कुमुद लखिया जी, मैं चाहूँगी कि आप मंच पे तशरीफ़ लाएँ और लोग आपको देखें, तालियां बजती रहनी चाहिए। आप मैम बहुत सीनियर हैं और बड़े बड़े कथक जितने सब हैं घराने वाले, बहुत अदब से मैडम के लिए बोलते हैं। आप इस समय अहमदाबाद में हैं और आपने मेहनत करी है सारी, कैसा आपको लगा पूरा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत ही बहुत बढ़िया, ऊपर मैंने काफ़ी मेहनत करी है, बड़ा अच्छा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रही थी जब नूर यहाँ पर पेश कर रही थी तो आपकी आँखें पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर थी, एक उस्ताद की तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस नाचीज़ का तारुफ, मैं मालिनी अवस्थी हूँ, अवध से तशरीफ रखती हूँ और मेरी खुशनसीबी है कि मुजफ्फर साहब ने इस फिल्म में मुझे भी गाने के लिए मुझे मौका दिया।
एक ठुमरी है, मुझे भी बहुत पसंद है, बड़ी पुरानी चीज़, आप सबकी नज़र है फिल्म में तो आप देखिएगा ही। अब यहाँ पर मैं एक ऐसी आवाज़ को यहाँ पर आपको सुनवाने जा रही हूँ जो यहाँ पर इस समय मौजूद भी हैं, जिनकी आवाज़ खुद अपने आप में मैं कहूँगी कि उनके उनका परिचय है, उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं। वो बुलंद आवाज़ एक बार गूंजती है तो तमाम सुनने वाले और चाहने वाले जान जाते हैं कि आवाज़ और किसी की नहीं, वन एंड ओनली सुखविंदर जी की है। आइए ये भी देखते हैं और फिर हम सुखविंदर जी से मुलाकात करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब ते सत श्री अकाल। सॉरी मैं थोड़ा वक्त हुआ था रिकॉर्डिंग को, तो मैं अभी नेक्स्ट जो भी इसका इवेंट होगा, आई वुड लव टू सिंग एनी ऑफ सॉन्ग ऑफ दिस मूवी बिकॉज आई लव दिस मैन, हिज स्टाइल, इनकी क्यूट बातें, एंड आई लव ऑल हिज फिल्म्स, एंड शाद इज माई डियर ब्रदर, इज़ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड शाद आई मस्ट से थैंक्स देन मोस्ट ऑफ योर फिल्म, यू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर योर फिल्म्स। और मुजफ्फर अली साहब जहाने खुसरो दिल्ली में जो एक बड़ा ही अलग किस्म का एक प्रोग्राम है वो भी करते हैं, और वो इस वक्त हिंदुस्तानी संगीत की सभ्यता का एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट एक कल्चर म्यूज़िकल प्रोग्राम है। और मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, और बाकी बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये फिल्म की तारीफ शाद के मुंह से तो सुन चुका हूँ, म्यूज़िक की भी एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक भी जो है हॉलीवुड के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने किए हैं, एंड ट्रायल भी देखूँगा, पहला शो पहले दिन भी देखूँगा, और इस शोर शराबे में एक बड़ी हम्बल और नाइस, एक नाम भी बड़ा खूबसूरत है, जा निसार। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी सिंगिंग ऑफ दिस सॉन्ग, बाकी के मेरे गाने इस फिल्म से मैच नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी। वो बुलाना चाहूँगी कि आप सब यहाँ पर आएं ताकि लोग आपको देख सकें, जान सकें, और फिर बहुत 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 ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, और कमाल का ये गाना तो मुझे बिल्कुल वाकई में गुजरे वक्त पुराने दौर पे ले गया। ऐसे गाने आजकल सुनने ज़रूरी हैं, लोगों को सुनने की आदत होने ज़रूरी ताकि मेलोडी फिर एक बार वापस आए। कुछ कहना चाहेंगे इमरान? सबसे पहले तो आप सब लोगों को आदाब, जब से फिल्म किया इसके बाद आदाब ज़्यादा हो रहा है कि अदब आदाब ज़्यादा आ गए हैं थोड़े से। म्यूज़िक के हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम जो म्यूज़िक सुनते सुनते बड़े हुए वो आहिस्ता आहिस्ता करके कहीं किसी धुन में गायब होती जा रही थी। मेरा ख़्याल ये है कि जितने भी म्यूज़िक लवर्स हैं वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में ही नहीं है, वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और अभी भी मुझे यकीन है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा म्यूज़िक समझते हैं, सुनते हैं और सुनना चाहते हैं, और इस तरह का म्यूज़िक हमारे कानों को बहुत तवील अरसे से, बहुत मुद्दतों से नहीं सुनने को मिल रहा था। इस जानिसार के की वजह से मुझे यकीन है कि आप लोगों को उसी तरह का म्यूज़िक दोबारा सुनने को मिलेगा जो 30-30 साल, 50-50 साल, 100-100 साल ज़िंदा रहता है, जिस तरह के उमराव जान का म्यूज़िक था। कुछ तो आपने सुन ही लिया होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी आपने नहीं सुनी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके कान बहुत ज़्यादा मशकूर होंगे, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे इस फिल्म के, इसका म्यूज़िक सुनने के बाद। आप कुछ कहना चाहेंगी पर्निया? आई डोंट नो व्हाट आई कैन ऐड टू दैट टू साउंड मोर एलोक्वेंट देन ही जस्ट डिड, बट आई विल जस्ट ऐड टू इट सेइंग दैट this music has helped transform me into Noor and has really taken me back into that era, and I think what is so wonderful about it is that it's timeless, it's classic, it's something you can hear 30 years later also and enjoy, and music like this comes very rarely. So as a classical dancer, as a lover of
Indian music and classical music, I've had such a pleasure filming these songs, and it's been an honor for me to be able to be picturized to this wonderful music. आपने आधी बातें तो वही कहीं जो मैंने कही हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हिंदी नहीं समझते थे. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमुनी जी, आपका, जितने भी सिंगर्स हैं और जितने भी हमारे कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ हमें इतना हेल्प आउट किया. मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आबदा जी जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, सुखविंदर जी, श्रेया घोषाल, सारे ही सिंगर्स, सारे ही गायक, इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है कि आप लोग इसको अपनी फेवरेट म्यूजिक डेफिनेटली बनाएंगे. थैंक यू सो मच मुजफ्फर साहब, आपने मौका दिया. फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन.